हाय एंड वेलकम टू एवरीवन, कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिटर्न टेस्ट है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, और उसके बाद जो मेडिकल की जो डेट है वो भी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो चुकी है। मेडिकल प्रोसीजर कम्प्लीट होने के बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसमें जो मेन चीज़ रहती है वो आपकी रहती है फ़ीस स्ट्रक्चर। जितने भी सैनिक स्कूल हैं सभी के अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका लगभग सेम ही रहता है, पर स्कॉलरशिप वेरिएशन के कारण जो फ़ीस है वो अप डाउन हो जाती है। मीन्स स्टेट वाइज जो आपकी स्कॉलरशिप है किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है, तो इसीलिए आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी वेरी कर जाता है स्टेट टू स्टेट। तो चलिए हम एक किसी भी एक सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर विजिट करके एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि सैनिक स्कूल में आपकी फ़ीस है वो कितनी रहती है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई भी एक वेब ब्राउज़र खोलना होगा। आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मुझे गूगल क्रोम अच्छा लगता है इसीलिए मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा गूगल का पेज आपके सामने खुलकर आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जो इसका सर्च बार है सर्च बार में आपको टाइप करना है सैनिक स्कूल सोसाइटी। लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, जिस पर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sainikschooladmission.in, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं, आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं। नाउ अब आपको अपने राइट हैंड की तरफ जाना है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इंडिविजुअल स्कूल जितने भी इंडिया के अंदर सैनिक स्कूल हैं सबकी जो वेबसाइट है उसका ऑफिशियल लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके चेक भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सैनिक स्कूल रेवाड़ी या फिर सैनिक स्कूल कुंजपुरा। स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि सभी स्कूल्स की यहाँ पे वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा या फिर सैनिक स्कूल रेवाड़ी हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे सैनिक स्कूल रेवाड़ी की जो वेबसाइट है वो मिल चुकी है। मुझे सिंपली राइट क्लिक करना है और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने एक ऐसा सैनिक स्कूल रेवाड़ी का जो ऑफिशियल पेज है खुल कर आएगा। आप चेक कर सकते हैं हम सैनिक स्कूल रेवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ चुके हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स जो भी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन्स होती हैं आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के कॉलम पर जाना है, वहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे फ़ीस। फ़ीस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप खुल कर आएगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है फ़ीस स्ट्रक्चर। और जो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है ये 2021 का है, मीन्स जो अभी ये सेशन स्टार्ट होगा ये उसी का फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर दी एकेडमिक सेक्शन 2021। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपली वे के अंदर समझाया गया है। जैसे कि जो मैं ए नंबर को चेक करता हूँ जिसमें कि हमारी ट्यूशन फ़ीस है, जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है वो 87,846 रुपीज़ है। आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ जनरल के लिए और डिफेंस जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनके लिए, और जो एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी होती है उसके लिए भी अलग अलग आपको अमाउंट यहाँ बताया गया है। जो ट्यूशन फ़ीस आपकी दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहती है। बी पॉइंट्स अगर आप चेक करेंगे तो बी पॉइंट्स में आपको डाइट्री चार्जेस के बारे में बताया गया है कि जो कि दोनों केस के अंदर, चाहे वो जनरल हो डिफेंस पर्सन हो एससी एसटी हो जो भी हो, उनके केस में 29,500 रुपये ही दिया गया है। यहाँ आप चेक करेंगे तो एक आपको एक स्टार का साइन दिखाई देगा। स्टार के साइन में जो नीचे की तरफ आपको एक पॉइंट दिया गया है डाइट्री चार्जेस एट दी रेट 88 रुपीज़ 80 पैसा पर डे पर कैडेट फॉर 295 डेज। नेक्स्ट पॉइंट आप चेक करेंगे सी पॉइंट में आपको इंसिडेंटल चार्जेस दिया गया है। इंसिडेंटल चार्जेस भी आपका चाहे वो जनरल हो डिफेंस पर्सन हो एससी एसटी हो, दोनों केस के अंदर आपका इक्वल रहता है, वो रहता है आपका 4,370 रुपये। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ आपका जो दिखाई दे रहा है वो क्लॉथिंग चार्जेस दिखाई देता है, उसके अंदर आपका 10,000 रुपीज़ दोनों केस के अंदर, चाहे एससी एसटी हो चाहे जनरल हो, दोनों केस के अंदर आपका 10,000 ही रहता है। आप चेक करेंगे तो इंसिडेंटल चार्जेस और क्लॉथ चार्जेस दोनों के अंदर आपका डबल स्टार लगा हुआ है, तो उसके लिए नीचे हमें एक पॉइंट दिया गया है दिस इज़ अ इनिशियल अमाउंट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथिंग एंड इंसिडेंटल
charges. The extra amount will be debited to boys' individual account subsequently. वैसे मुझे तो ये सभी हिंदी में समझ में आ गया है, पर फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हिंदी में स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। नाउ जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो ई पॉइंट है वो पॉकेट मनी चार्जेस है, जो दोनों कंडीशन के अंदर आपका 1500 मीन्स 1500 रहता है। पॉकेट मनी चार्जेस के बाद आपके पास सिक्योरिटी मनी आता है। सिक्योरिटी मनी आपकी जनरल और एससी कैटेगरी के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग है। जनरल कैटेगरी में ये 3000 होता है और एससी कैटेगरी के अंदर ये 1500 रहता है। जो आपके ये टोटल चार्जेस, जो आपका टोटल जो ट्यूशन फीस है, डेटरी चार्जेस है, इंसिडेंटल चार्जेस है, क्लोथिंग चार्जेस है, पॉकेट मनी और सिक्योरिटी मनी मिलाकर आपका दोनों कैटेगरी के अंदर अमाउंट टोटल फीस के रूप में आपको बताया गया है, जो कि जनरल के केस के अंदर 136,216 और एससी कैटेगरी के केस के अंदर 134,716 रुपये बनता है। नाउ लास्ट के अंदर आपको अदर एक्सपेंसेस दोनों केस के अंदर एससी एसटी और जनरल केस के अंदर 14,000 ही आपको मिलेगा, और जो ग्रैंड टोटल है वो जनरल के केस के अंदर आपको 150,216 और एससी एसटी के केस के अंदर 148,716 रुपये देखने को मिलेगा। आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी जितने भी सैनिक स्कूल हैं सबके जो फीस लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो सैनिक स्कूल में मिलने वाली जो स्कॉलरशिप होती हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, चाहे वो डिफेंस पर्सन हो, उन कैटेगरीज की जो भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उसके बारे में रहेगा। फीस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इंडियन डिफेंस एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।